नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पूरा विश्व कोरोना की मार से परेशान है। इस वायरस ने बेहद कम समय में करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। जहां कुछ सालों पहले तक तमाम विकसित और विकासशील राष्ट्र दावा करते थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत तरक्की की है, लेकिन एक वायरस ने सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। एक वायरस ने बता दिया कि हमें अभी भी कई बीमारियों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। आधुनिक युग के जीवन जीने के तरीकों से भी कई बीमारियों का जन्म हुआ है, और सबसे भयावह बात ये कि अभी भी लोगों को कुछ बीमारियों को लेकर जागरूकता की कमी है। ऐसी ही एक बीमारी है थैलेसीमिया। दुनिया भर में हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। थैलेसीमिया बच्चों को उनके माता पिता से मिलने वाला अनुवांशिक रक्त रोग है। इस रोग की पहचान बच्चे में 3 महीने के बाद ही हो पाती है। थैलेसीमिया नामक बीमारी अनुवांशिक है, जो माता पिता से बच्चों को होती है, और ये बीमारी बच्चों को ही ज्यादातर मामलों में पाई जाती है, और समय पर इलाज नहीं होने पर बच्चों की मौत तक हो सकती है। सामान्य रूप से शरीर में रेड ब्लड सेल की उम्र करीब 120 दिन की होती है, परंतु थैलेसीमिया के मरीजों में इनकी उम्र मात्र 20 दिनों की होती है। इसका सीधा प्रभाव शरीर के हीमोग्लोबिन पर पड़ता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से शरीर कमजोर हो जाता है, और इसी वजह से हमेशा मरीज किसी न किसी बीमारी से घिरा रहता है। और जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो है कोरोना महामारी की वजह से इसके इलाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। थैलेसीमिया के इलाज के लिए सबसे अहम पहलू रक्तदान है। थैलेसीमिया के मरीजों को समय समय पर रक्त की जरूरत होती है, लेकिन कोविड महामारी के कारण ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि इनसे एक जगह बहुत से लोगों के जमा होने और कोविड संक्रमण के फैलने का खतरा है। थैलेसीमिया के मरीजों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उन्हें कोविड संक्रमण की गंभीरता का अधिक खतरा रहता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि कोविड से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। थैलेसीमिया के मरीजों के चेकअप समय समय पर होते रहने चाहिए। इस बीमारी के शिकार बच्चों के रोग लक्षण जन्म से 4 या 6 महीने के बाद नजर आने लगते हैं। बच्चे की त्वचा और नाखूनों में पीलापन आने लगता है, आंख और जीभ भी पीली पड़ने लगती है, दांत निकलने में काफ़ी परेशानी होने लगती है, बच्चों की त्वचा पीली पड़ने लगती है। अगर माता पिता थैलेसीमिया माइनर रोग से ग्रसित हैं, तब बच्चों को इस बीमारी की आशंका अधिक रहती है। अगर माता पिता किसी एक को ये रोग है, तो उनके बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होने की आशंका नहीं रहती। माइनर का शिकार व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है, लेकिन उसे कभी इस बात का आभास तक नहीं होता कि उसके खून में कोई दोष भी है। जरूरत है थैलेसीमिया को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने की और लोगों को इसके प्रति आगाह करने की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।